झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कारोबारी और सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत की चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टरों में से एक है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश में चावल का पर्याप्त भंडार है। स्थानीय बाजार में मिल रहा चावल का भाव सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कम है। ऐसे में देश में चावल की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 14 मई को देश में होने वाले गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। घरेलू बाजार में खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया था। गेहूं पर प्रतिबंध लगाने से सिर्फ एक दिन पहले सरकार ने ये कहा था कि इस साल 1 करोड़ टन गेहूं का शिपमेंट होगा। आपको बता दें कि देश में इस बार समय से पहले गर्मी शुरू होने के चलते गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। अभी कल ही ये खबर निकल कर आई कि गेहूं और चीनी के निर्यात पर बैन लगाने के बाद सरकार अब चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला कर सकती है। घरेलू बाजार में चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और चावल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल इस खबर पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल सरकार की योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश है और वित्त वर्ष 2022 के दौरान इसने 150 से अधिक देशों को चावल का एक्सपोर्ट किया था। चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की यह खबर ऐसे समय में आई जब देश में खुदरा महंगाई अपने 8 सालों के ऊंचे स्तर पर है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% दर्ज की गई थी, जो कि 8 सालों का इसका सबसे ऊंचा स्तर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।